के बच्चों को बच्चियों को पढ़ने के लिए आने वाला समय में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, आप लोग को पता है कि आप हमारे झारखंड के आदिवासी बच्चे भी विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं और बच्चियों को अब आप लोगों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज जो पढ़ाई करना है उन सब चीजों की पढ़ाई की पूरा का पूरा खर्च अब राज्य सरकार बेयर करेगी। ये हम कानून बना दिए जो बच्चे यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे संस्थानों की नौकरी की तैयारी करते हैं और उसके लिए कहीं कोचिंग लेते हैं तो उस कोचिंग का भी खर्चा हम लोग देंगे। ये भी हमने कहा था। तो अब आप लोग मन लगाकर पढ़ाई छोड़िए मत। बहुत चुनौती हम लोग के सामने है। आज हमारे आदिवासी दलित पिछड़ा लोग ना आईएएस है, ना आईपीएस है, ना जज है, ना वकील है, तो कहां से न्याय मिलेगा? आप लोग जज बनिए, आप लोग वकील बनिए। आज हम लोग के देश के जेलों में सबसे अधिक उद्देश्य है और इस उद्देश्य के लिए हर प्रयास हमारा चल रहा है। हम लोग तो जैसे तैसे कहीं आ गए, आज हमको कहीं सुनने को मिला देश में पहला ट्रैवल वाइस चांसलर है जो हमारे झारखंड में। कहीं नहीं है। और आदिवासियों के हितों की लड़ाई लड़ने वाला एक लौता हम लोग लड़ रहे हैं तो हमारे और संघर्ष करने वालों को बहुत कठिन होता है, लेकिन आप लोगों के लिए संघर्ष करना, आप लोगों के लिए लड़ना, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उसको संरक्षण देना हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म बनता है। और आज लाख झंझावतों के बाद चारों तरफ से षड्यंत्रकारी लोग लगे हुए हैं कि एन केन प्रकार इनको हम पटकरिया दें, लेकिन आज हम इतना हुंकार और इतना दहाड़ इसलिए मारते हैं क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद हमारे सर पर। ये लोग हमको कच्चा चबा दे, इन लोग का बस चले तो हमको एक दिन में खा पका के भजन कर जाए, डकार भी नहीं मारेंगे। लेकिन आंख से आंख मिलाकर इतनी मजबूती के साथ अगर हम दहाड़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। पुनः जय जोहार, खटियारी जोहार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।